शंभु पधारो बैठे छुप के कहाँ, जटाधारी पधारो बैठे छुप के कहाँ, गंगा जटा में तुम्हारी हो, गंगा जटा में तुम्हारी हम प्यासे यहाँ। Hey guys, please subscribe to our channel and press the bell icon for latest updates. थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर और चूड़धार ट्रेक के दूसरे पार्ट में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आगे की यात्रा। हमारे साथ है हमारे होस्ट साहिल धीमान। जमुलाला पहुंच गए हैं। जमुनाला, जी हाँ। तो आप देख सकते हैं काफी खूबसूरत ये जगह। देखिए और आगे मम्मा जी काफी स्पोर्ट, और मम्मा जी एक बार हिम्मत नहीं आ रही अभी तक, उम्मीद से ज्यादा चल चुके हैं, पर मम्मा का मन बहुत हो रहा है कि अब रेस्ट कर लें, पर क्या करें, जिद्दी बच्चे छोड़ते नहीं है इतना जल्दी। और ये देखिए हमारे बीच अंजला चाची जी, ये हमारे गांव के बीडीसी मेंबर भी हैं, पर आज इनका इलेक्शन चूड़धार में लड़ा जा रहा है। और ये साथी जमी लाला, और ये देखिए भविष्य में आने वाले काफी गजब के स्टार बनने वाले शौर्य जी, काफी नटखट है और उतने ही ज्यादा क्यूट भी हैं, देख सकते हैं आप इन्हें। और मिलते हैं दादी जी से। दादी जी हमारे बुजुर्ग हैं, पर चलते इतने गजब के उनकी हमारे को भी थका दिया है। गाइड, ये हमारे गाइड है, ये हमारे गाइड है, और आगे का रास्ता बता रहे हैं, जो हमें हीऊ के पहाड़े के बारे में अभी हमें बता रहे थे, बर्फ के बारे में। तो पहाड़ी में उसको हीऊ बोलते हैं साथियों, तो हीऊ के बारे में बता रहे थे हमें। बाड़ा, 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 बाड़ा एक इधर एक पेड़ है, उसके अंदर गुफा, गुफा शायद उसमें अंदर जाके साथियों सीढ़ियां आती हैं, और ऊपर वहाँ पे बर्फ होता है, और वो बर्फ 12 के 12 महीने रहता है। अभी हम उधर जाएंगे साथियों, शायद वो पीछे रह चुका है। ये देखिए जमुनाला, थोड़ा थोड़ा पानी इधर, और मिलते हैं चाची जी, चलते रहो, बढ़ते रहो, बढ़ते हुए हैं। काफी दमखम दिखाते हैं हमारे बीच चाचू जी। ओ भोले बाबा शंकर संकट हरना, ओ भोले बाबा शंकर संकट हरना, ओ भोले धारो रे राजा शंकर, तेरी कैलाशो पे भांग दतूरा, तेरी कैलाशो पे भांग दतूरा, शिव जी के मन को रुभाए, ओ भोले बाबा शिव जी के भोले बाबा शंकर संकट हरना, ओ भोले बाबा रे राजा, तेरी कैलाशों का
और साथ ही वो हम जमुनाला पहुंच गए। ये हमारे अंकल जी, उनकी दुकान है काफी दूर। अंकल जी तो आप बताइए हमारे को चूड़धार के बारे में। चूड़धार तो शंकर भगवान की तपस्थली है जी। हाँ जी हाँ जी। और यहाँ माँ पार्वती और भोले शंकर ने यहाँ से कुरुक्षेत्र का युद्ध देखा था। हाँ जी हाँ जी। और श्री गुरु महाराज ने यहाँ पे चूड़िया नाम का दैत्य था, उसका वध करने के लिए अवतार लिया था। हाँ जी। तो ये शंकर भगवान के अंश है। हाँ जी हाँ जी। तो ये भोलेनाथ के पुत्र श्री अंकल जी का नाम, मेरा नाम जी कमलराज चौहान है। कमलराज, जब भी आप इधर आए हो साथियों, इनसे सामान जरूर लेना। और इन्होंने साथ में रहने के लिए भी काफी अच्छी सुविधा की है। और यहाँ पे तकरीबन 15 से 20 लोग रह सकते हैं, ज्यादा भी रह सकते हैं। और कपड़ों का इंतजाम भी पूरा किया है, मतलब ठहरने का इंतजाम। और ये हमारे मम्मा जी, लीजिए दोस्तों देखिए, प्राकृतिक खूबसूरती काफ़ी अच्छी है। और यहाँ साहिल कुछ डेयरिंग टास्क करके दिखा रहे हैं आप सबके लिए। तो चलिए चलते हैं आगे की ओर। हम हैं समुद्र तल से लगभग 11,000 फीट की ऊंचाई पर। और देखिए पानी कितना कम है। और वैसे ही मानव ने काफ़ी प्रकृति का संतुलन बिगाड़ दिया है, देख सकते हैं आप। यहाँ पर इतने हाइट में भी इतना कम पानी है। चलिए चलते हैं आगे की ओर। दोस्तों ये था चूड़धार यात्रा का दूसरा पार्ट। और अगला पार्ट लेकर हम जल्दी आपके सामने आएंगे। अब यहाँ से इस पॉइंट से ये तीसरी से आगे की जगह है। और यहाँ से चूड़धार के लिए बहुत कम रास्ता बचा है, जो कि तीसरे पार्ट में कवर हो जाएगा। तो देखिए आनंद लीजिए। और न्यू विजिटर से आग्रह है कि कृपया वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को शेयर करे। थैंक यू सो मच। जय श्री गुरु महाराज।